أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्वान बंदाए नचीज खादम मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत उबैदुल्लाह लतीफ़ आज आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर के हाजिर है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उम्मत मरज़ाइया के महान मरबी जनाब डॉक्टर मोहम्मद यहया साहब, जो कि अपने यूट्यूब चैनल रियल इस्लाम पर बैठकर के लाइव स्ट्रीमिंग किया करते हैं दीगर मरबियान समेत, और उस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग में किस तरीके से डॉक्टर यहया साहब बड़के मारते रहे जब मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत मैदान में आए और उन्होंने मनाज़रे का चैलेंज दिया लाइव स्ट्रीम पर। मनाज़रे का चैलेंज तो डॉक्टर यहया साहब ने अपने दीगर साथी मरबियान खुसन जरीउल्लाह साहब, मुबारक अहमद साहब और आज़म सैफ़ी साहब, जो कि उनके सिलसिला कादियानिया के मुअल्लम हैं, ऑफिशियल मुअल्लम, उन समेत किस तरीके से राह फरार इख्तियार किया मनाज़रे से। तो आइए हम आज आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद यहया उम्मत मरज़ाइया के महान मरबी और उनके दीगर मरबियान जरीउल्लाह, मुबारक अहमद और आज़म सैफ़ी साहब का लाइव मनाज़रे से शर्मनाक फरार पेश करते हैं। तवज्जो से समाप्त फरमाइए, लेकिन इससे पहले याद रखिए कि हमारे YouTube चैनल RQ YouTube TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। ये अर्ज़ कर रहे हैं और अल्लाह ताला का ये निशान हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो ज़ाहिर हुआ, उसका हमारे आबाओ अजदाद ने ये निशान देखा और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि जब भी हयात ईसा के अकीदा के ऊपर हम बात करते हैं तो मौलवी इस तरह से भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं जैसे वो एक जानवर के बारे में कहते हैं उसके सर से सींग। ठीक है जी, आज भी वो बड़े बड़े मौलवी हजरात जो कि ये दावे करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के जवाब देने हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में उन्होंने हमारी स्ट्रीम का जवाब देना है, और जनाब आप जो वहाँ जाकर जवाब देंगे तो इधर आएं। हयात ईसा का अकीदा आपका अकीदा है क्या? आपको एक ज़रा भी मैं आप प्यार से कह रहा हूँ, आपको एक ज़रा हया नहीं आती प्यारे भाइयों? अकीदा आपका है, अपने अकीदे को आकर साबित करें। लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ कि वो जो बड़े बड़े नाम बनते हैं उनमें से वो सब गायब हैं और इंशाल्लाह गायब ही रहेंगे। उनको भी पता है कि इधर जो हैं वो बड़े बड़े इल्मी तौर पर एटम बम मौजूद हैं, जो कि अगर वो आएंगे तो वो एटम बम जो कि हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के इल्म कलाम की रोशनी में और अल्लाह ताला ने जो आपको बतलाया और फिर कुरान पाक की आयात की तरफ रहनुमाई फरमाई, वो आयात जो मेरे प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और जिन आयात को पेश करके उनमें से बाज़ आयात को सहाबा कराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मसलन तमाम सहाबा को ये सबक दिया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद जो रसूल हैं वो जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले आए थे वो फौत हो चुके हैं। उन्हीं आयात की बदौलत और उन्हीं आयात की वजह से ये लोग दौड़ते हैं हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आप देख लें उनमें से एक बंदा भी नहीं आया, हालांकि मैं आपको बता रहा था कि कमेंट बॉक्स में मौलवी राशिद अबू मुश्तबा राशिद साहब भी लगे हुए थे, साजिद अलवी साहब भी लगे हुए थे, मुझे अब ये नहीं पता कि अब वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। बहरहाल किसी दोस्त ने अगर कुछ और कहना है तो अभी भी है, क्या नाम, ये आपका देख रहा हूँ मैं इधर कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये जाहिद साहब भी आए हुए हैं। जी जी जजा हमारे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कॉलर है अभी कोई?
मोहम्मद जायद साहब हैं जी, और बैदुल्ला लतीफ साहब भी हैं, उनको ले लें पहले जी, कि आप जी, जी, को, नहीं कॉलर ले लें आप। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जायद साहब। मोहम्मद जायद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। जी 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 वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, फरमाएं। जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अव्वल तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि हमारी स्ट्रीम पे ये लोग नहीं आते, तो उसकी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा डॉक्टर साहब। एक तो अपने जो बीच में अपनी बोलने वाली आपकी आदत है वो जरा थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक तो आपने ये शिकवा किया यहाँ पे बैठ के कि हमारी स्ट्रीम पे नहीं आते। मेरा ख्याल है आपकी हर स्ट्रीम पे हम लोग आते हैं, आप हमारी स्ट्रीम पे नहीं आते, हम आपकी हर स्ट्रीम पे आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपने कहा कि जब हम हयात ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो ये सारे जो हैं ये छुप जाते हैं, ये सामने नहीं आते। तो मैं डॉक्टर या ये सब आपके इस चैनल पे बैठ के आपको कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक मुश्तरका स्ट्रीम तय करें, 3 बंदे आपके 3 हमारे, इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसके ऊपर जो है वो हामी भरेंगे। मुश्तरका हम स्ट्रीम करेंगे, 3 बंदे आपके 3 हमारे, और आपकी जो लोग नीचे जिनको आप झूठ बोल रहे हैं कि ये भाग जाते हैं वो भी सुन लें कि हम छुपते नहीं हैं। डॉक्टर याया साहब का तरीका ये होता है कि डॉक्टर साहब सवाल पूरा करने से पहले अगले बंदे को काल से उतार देते हैं ताकि वो अगला बंदा जो है वो इन्होंने जो झूठ बोले होते हैं सवाल में वो ना पकड़ ले। और दूसरी बात, ये जरीउल्ला साहब यहाँ पे कह रहे थे कि जी अकीदा तो वफात का है, बाकी तो फरवात में शामिल है। तो जरीउल्ला साहब आप ये जो पूरा चैनल अपना आपने बिठा के अपना पैनल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये आप हमारे अकीदे पे नहीं कर रहे हैं, ये आप फरवात पे कर रहे हैं, ये कहानियां वो कहानियां वो कहानियां। तो इंशाल्लाह हम करेंगे स्ट्रीम और फिर हम आपको बताएंगे कि मिर्जा साहब ने इसके ऊपर क्या क्या कहानियां घड़ रखी हैं और आपकी अपनी लिटरेचर में आपके अपने अकायद जो हैं उनमें क्या क्या तजादात हैं और क्या क्या आप लोगों ने कहानियां घड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं फिर कब आप हमें टाइम दे रहे हैं जनाब के ऊपर। आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है? जी मैं आगे सवाल करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ मैं सवाल करूंगा, मुझे पता है क्योंकि आप फिर काल से उतार देते हैं, इसलिए मुझे जरा पहले स्ट्रीम का बता दे। मैंने कह रहा हूं आपने अपनी बात अभी तक मुकम्मल कर ली है जो आपने बात करनी थी सवाल के अलावा? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सुन भी लिया कि मैं आपसे स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा हूं कि स्ट्रीम का मुझे बताएं। जी जी आप चुप करके सुने, बड़ी खुशी की बात है जनाब, आपने ये बात की मुनाज़रे की, और आप यकीन करें कि आप मुनाज़रे की बात ना भी करते तो आज हमने, मेरी कल जरीउल्ला भाई से ये बात हो रही थी, हमने आज मुनाज़रे का आखिर पे एक चैलेंज देना था। बड़ी अच्छी बात की कि आपने खुद ही बात जो है वो कर दी। हमारी तरफ से आप तमाम जो है जो आप अपने 3 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनको आपके अकीदा जो है हयात मसीह का उसके ऊपर मुनाज़रे का चैलेंज है, लेकिन उसमें हमारी शर्त ये है वो जो 3 बंदे आप में से होंगे उसमें से एक देवबंदी होगा, एक बरेलवी होगा और एक अहले हदीस होगा, ठीक है, और हम 3 होंगे। चलें करते हैं जनाब, बड़ा मज़ा आएगा और अवाम के लिए उसमें बहुत सी जो है वो, किसी भाई का माइक खुला है, अपना माइक जो है वो बंद कर ले। तो अवाम डॉक्टर साहब एक बार देख मेरी बात, सॉरी थोड़ी सी मेरी बात इसमें शामिल होने दे। हमारी तरफ से एक देवबंदी, एक वहाबी, एक सुन्नी, आपकी तरफ से एक मिर्जा मसूर ग्रुप का, एक जुम्बा ग्रुप और एक लाहौरी ग्रुप का। अच्छा मोहतरम मेरे भाई, बात ये है कि आप, हम जो है ना, हम तीनों जो हैं जो आपके नज़दीक जो फ़िरका हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम, हमारा इजमा है इस अकीदा के मुतल्लिक और हम मिलके हमारे जो है सारे कायद एक जैसे हैं। आप लोग अवाम के सामने ये धोखा देते हैं और जो देवबंदी बरेलवी और जो वहाबी हैं कि जनाब हमारे तो इसके ऊपर इजमा है, तो इसलिए मैंने कहा। एक छोटी सी बात मैं माजरत के साथ ऐड करना चाहता हूँ, ये मोहम्मद जाहिद साहब की, ये कह रहे हैं झूठ ना बोले आपका लाहौरी ग्रुप का और जुम्बा ग्रुप। जी मैं इसी की बात, जैसे मैं इसी की, आपने बड़ी प्यारी बात की है, मैं इसी को आगे चलाता हूँ। ये कहते हैं कि जुम्बा ग्रुप का और लाहौरी ग्रुप का, हम यहाँ पे अल ऐलानिया तौर पर ये ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमदी आलमगीर को हकीकी और बिल्कुल सही फिरका मानते हैं, और इसके अलावा जितने भी फिरके हैं वो चाहे लाहौरी ग्रुप का हो, वो चाहे जुम्बा ग्रुप का हो, चाहे सुल्तानी ग्रुप का हो, चाहे नसीम तहर ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, हम उसको गुमराह मानते हैं। देवबंदी जी आप ये ऐलान करते हैं कि आपका फिरका बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी सारों को आप गुमराह करते हैं, तो आप तीनों देवबंदी ले, मैंने आपको खुला खुला ये ऐलान कर दिया।
तीनों हम जमाती अहमदे के अलावा जितने भी मुखालिफ ग्रुप हैं, जितने भी चाहे वो जमाती अहमदे के बीच में से निकले हुए ग्रुप हैं, चाहे वो खिलाफत को नहीं मानते, चाहे वो खिलाफत के मानने के बावजूद खिलाफत से मुनहरिफ हुए हैं, हम उनको गुमराह मानते हैं। आप दियोबंदी ये मान लें कि आप दियोबंदी के अलावा बाकियों को गुमराह मानते तो आप तीन दियोबंदी हो जाए, या बरेलवी ये मान लें कि बरेलवी के अलावा बाकी सारों को गुमराह मानते हो तो बरेलवी आ जाए, या वहाबी ये तीनों ईरान करने के लिए वहाबी बिल्कुल दुरुस्त फिरका बाकी सारों को गुमराह मानते हैं तो वहाबी आ जाए। ले जी आ जाए आप जी। मोहम्मद जाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद जाहिद साहब आप मौजूद हैं? जी जी डॉक्टर साहब मैं मौजूद हूँ, मैं आपका रोना पीटना सुन रहा हूँ, मौजूद हूँ मैं जी। आपने वो अवाम के ऊपर आप छोड़ दें जनाब के रो 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 पीट कर रहा है। आप ये बताएं कि आपने एक मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने आपका चैलेंज कबूल कर, आपकी आवाज में बहुत शोर है मोहम्मद जाहिद साहब, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा शोर है, अगर आप ठीक कर लें तो बेहतर है। तो आपने मुनाजरे का चैलेंज दिया, हमने वो कबूल कर लिया है, और हमने आपको ये कहा है कि दो दो ही बातें हैं, या तो आप ये कहें कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे अलावा जो बाकी अगर कोई फिरके हैं तो वो जो है वो गुमराह हैं, आप या तो ऐलान कर दें कि आपके अलावा आप अहले हदीस हैं गालबन, आपके अलावा बरेलवी और देवबंदी जो है वो गुमराह हैं, तो हम तीनों जो है अहले हदीस के साथ मुनाजरा करने को तैयार हैं, क्या आप ऐलान करते हैं ये? जी मोहम्मद जाहिद साहब। जी डॉक्टर साहब देखिए ये तो देखें डॉक्टर साहब ये तो सीधा सीधा आप मुनाजरे से फरार होने वाला बहाना बना रहे हैं, यहाँ पे आपके आप बड़ा आप बहुत बड़ी मार बैठे हैं, और अब ये सीधा सीधा आप जो है वो बहाना बना रहे हैं मुनाजरे से फरार का कि जी वो एक देवबंदी होगा, एक वहाबी होगा, एक वो होगा, एक वो होगा। देखें डॉक्टर साहब हर हमारे जितने भी मसलक हैं वो सारे इस बात से आपने खुद बयान कर दिया कि सबका इजमा है, तो हमारे तरफ से बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, जो भी हो, हमारे साथ आपने मुनाजरा करना है, तीन बंदे आपके, तीन बंदे हमारे, हमने कोई शर्त नहीं रखी थी, आप अब ये मुनाजरे से फरार के लिए एक शर्त रख रहे हैं जी, एक वहाबी होगा, एक देवबंदी होगा, एक बरेलवी होगा, तो आपका भी तो इजमा है ना मोहतरम डॉक्टर साहब, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम उसको गुमराह मानते हैं, हम उसको गुमराह मानते हैं, लाए एक जुम्मा ग्रुप का, एक लाहौरी ग्रुप का, एक मसूर ग्रुप का, तीन बंदे, अगर ये शर्त आपने हमारे ऊपर रखनी है तो यही शर्त आपके ऊपर लागू होती है, वरना तीन बंदे बताएं आप हमारी तरफ से, तीन बंदे हम जो मर्जी डिसाइड करें, वो आप हमारे ऊपर कौन होते हैं शर्त लगाने वाले कि हम ये शर्त। जाहिद साहब दरमियान में जाहिद साहब मैं आप दोबारा आपको स्क्रीन में लूंगा, लेकिन कोई बात करने की कुछ बुनियादी अखलाकियात ही सीख लें यार, मेरा मतलब एक आके शोर के साथ शुरू हो जाना और जिस तरह पता नहीं हाला डाला करके पड़ जाना, ये कोई कोई इखलाके मोहम्मदी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आप लोगों को मैं अब अलग बेहतर नहीं बताऊंगा इखलाके मोहम्मदी की। अब देखें प्यारे भाइयों, ये इन्होंने आके चैलेंज दिया कि जी हम मुनाजरे का चैलेंज है, वाजे बात कर दी जरीउल्लाह भाई ने कि भाई हम तो दूसरे को गुमराह मानते हैं, आप जब हमारी बारी आती है अहमदियों की तो आप कहते हैं कि नहीं वहाबी देवबंदी बरेलवी हम सारे इकट्ठे हैं, तो जब इकट्ठे हैं तो इकट्ठे होके आए जनाब, ठीक है, या फिर दूसरा हमने तो बड़ी आराम से कहा है, हम जिस तरह कह रहे हैं कि बाकी फिरके गुमराह हैं तो आप भी कहते गुमराह हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो जब हमने आपको ये आपको दो में से एक चीज सिलेक्ट कर ले करने का कहा है, तो मोहम्मद जाहिद साहब आपने मैं आपको दोबारा स्ट्रीम में लेने लगा हूँ, आपने दो में से ये बताएं कौन सी चीज आपने सिलेक्ट करनी है। नंबर एक, क्या आप इस बात का बरमला आज इजहार करेंगे कि आप तीनों जो फिरके हैं दियोबंदी वहाबी और बरेलवी, ये तीनों में से एक एक बंदा आएगा क्योंकि आपका इजमा है, आप एक दूसरे को गुमराह नहीं समझते, या नंबर दो आप अभी ऐलान करेंगे कि आप पहले तीस के अलावा बाकी दोनों फिरकों को गुमराह समझते हैं, इसलिए फिर हम कहते हैं ठीक है जी आप तीनों अहले हदीस को ले आए। जी मोहम्मद जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, दोनों में से कौन सी बात आपको पसंद है? जी डॉक्टर साहब ये जो आपके नाजरीन है ये वादे उन लोग पता चल रहा होगा कि आप मुनाजरे से फरार होने के लिए बहाने तलाश करना शुरू हो गए हैं, बहरहाल डॉक्टर साहब देखें मुझे एक बात का सिर्फ मुख्तसर जवाब दे दें, आप पांच जो बंदे बैठे हैं इनमें से आप किस फिरके के खिलाफ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक फिरके का नाम बता दें। जी जनाब हम जो आपका जो है ना जो इजमा है आपका जिसको आप कहते हैं इजमा है आपका
वो जो सारे 1974 में इकट्ठे हुए थे हमारे खिलाफ, देवबंदी, बरेलवी और जो वहाबी हैं, सब के खिलाफ, सब के अकीदा जो है उसको हम खिलाफ नहीं, मैं कहूँगा हम उन सब के जो ये अकीदा हयात मसीह का बना बैठे हैं उसकी जो असल जो बात है वो अवाम तक पहुँचा रहे हैं। इसमें देवबंदी भी शामिल है, बरेलवी भी शामिल है और वहाबी भी शामिल है। और अच्छा किया आपने ये बात पूछ लिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि तीनों को साथ लेके हम चलना चाहते हैं। हम चाहके ताकि हम जनाब आपके साथ बात करेंगे अहले हदीस मियां के साथ, तो वो देवबंदी बाद में आके कह देगा कि जनाब मुझे तो शामिल ही नहीं किया, मैं तो इसका नतीजे को मानता ही नहीं हूँ इस मुनाजरे को, ठीक है ना। और फिर या कोई बरेलवी आके कह देगा या देवबंदी आके, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर। मैंने मुख्तसर सवाल किया था सर, मैंने डॉक्टर साहब मैंने मुख्तसर सवाल किया था, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने जवाब दे दिया। आप तमाम फिरकों को, जो इजमा है फिरकों का, तमाम फिरकों का उनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे साबित ही हुआ कि तमाम फिरके जो हैं उनका इजमा है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर। बैना ही उसी तरह आपके जितने भी फिरके हैं, जुम्बा हो गया, मसरूर मसरूर साहब का ग्रुप हो गया, उसके अलावा लाहौरी ग्रुप हो गया, आपके जितने भी फिरके हैं सबका इजमा है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर। तो मैं भी आपसे ये कह सकता हूँ, आप चाहे उनको गुमराह कहते रहे, वो आपको गुमराह कहते हैं, आप उनको गुमराह कहते रहे, जो मर्जी, ये तो आपका आपस में जो वो चल रहा है, ईंट बटे चल रहे हैं, वो सारी दुनिया को पता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने मुदाजरा करना है या आप यहाँ पे चैलेंज दे बैठे हैं, भड़क मार बैठे हैं और आप फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें बस। जी छोटी छोटी सी गुजारिश, एक मिनट मुबारक भाई, अहबाब प्यारे भाइयों, आप सब देख लें, हमने ये होता है कुलू कौलन सदीदा, मोमन जो है वो सीधी खरी बात करता है। हमने बरमला कहा कि हम जमात अहमदिया मुस्लिमा के अलावा बाकी जो फिरके हैं उनको गुमराह कहते हैं। ये मोहम्मद जाहिद साहब, ये इनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि या तो तीनों बाकी सारे फिरकों के बारे में कहें कि वो गुमराह नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, ये उनको वाकई इस तरह का मुसलमान समझते हैं कि गोया वो जन्नत में जा सकते हैं, वो उनकी आखिरत जो है उनकी आकत संवर सकती है। चलें डॉक्टर साहब, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें डॉक्टर साहब, ये बात भी, ये इतराज़ भी आपका खत्म। मोहम्मद जाहिद साहब, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, आपको इतनी कम से कम मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं कब जो है वो बुनियादी अखलाक आएंगे, कब आप सीखेंगे कि जो किस तरह से बात करते हैं। यार खुदा का खौफ करें, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं ये कह रहा था प्यारे भाइयों कि हमने बरमला इजहार करते हैं, इन ये ना इधर ना उधर, क्यों ये अगर यहाँ पे कह दें कि ये गुमराह मानते हैं तो इन्होंने बाहर जाके अपने मुजाहिदीन खत्म नबूवत को भी शक्ल दिखानी है इन्होंने, ठीक है जी, और अगर ना कहें तो फिर मरते हैं, तीनों को लेके आना पड़ता है। बारह मुबारक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने वो सांप के मुंह में किरली की कहावत तो सुनी होगी, तो वो किरली इनके मुंह में आ गई है, तो वो उसको तो कभी कबूल नहीं करेंगे, ना छोड़ सकते हैं ना उगल निगल सकते हैं। बात ये है कि इसका सबूत कि कौन किसके साथ है, किसके प्लेटफॉर्म से लड़ता है, पिछले प्रोग्राम में जनाब सब पूरे जहां यहां जो सुन रहे हैं नाजरीन, उन्होंने सब ने देख लिया कि तारक चौहान साहब जो जंबा ग्रुप के थे, उनकी वकालत के लिए आपके मोहतरम आमर नजीर साहब यहां पेश हुए थे कि मैं उनका केस लेके आया हूं। तो कौन किसके साथ हुआ जनाब? बिल्कुल जाहिद साहब, हकायक से आप नजरें बेशक जितनी मर्जी चुराएं लेकिन बिल्ली नहीं जाएगी, आंखें बंद करें लेकिन बिल्ली नहीं जाएगी। वो जो यहां पे बात हो रही है आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बात किसी और तरफ चले जाए और हमारी जान छूट जाए। बात यह है कि यहां जो इस वक्त मौजू चल रहा है, आपको क्यों जुरत पैदा नहीं हुई, वो कौन सी वजह है जो हमने यहां पे दलाइल पेश किए, जो हमने यहां पे सबूत पेश किए, आपने, आपको कौन सी वजह है जिसने रोका है कि आप उस पर बात करने के लिए तैयार तक अपने आप को नहीं कर पाए और यहां पे आके आपने एक नवा शोशा छोड़ दिया कि ये हमारा चैलेंज कबूल कर ले। ओ भाई ये चैलेंज ही है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, आप चार बंदे ले आए, पांच बंदे ले आए, आप अपनी टीम बिठाएं और यहाँ पे सवाल करें और हम आपका जवाब दे रहे हैं, लाइव प्रोग्राम हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो खुद फैसला करेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कहां से बुरहान है, कहां से दलील है, कहां से सबूत है, ये फैसला लोगों ने करना है, ये आपने नहीं करना। यहां पे आके शोर डालना
और मजमाबाजी करना और मदारीपन करना ये छोड़ दें। अब दुनिया बहुत समझदार है, खुदा के फजल से सब कुछ समझती है, और यहाँ पे दलायल से अपनी बात को रखें। इसी को लाइव प्रोग्राम को ही आप मुनाजरा समझें, और ये मुनाजरा ही है, इसी को चैलेंज समझें। यहाँ अपना ये मुद्दा पेश करें कि आपके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो फर्जी ईसा हैं, उनको आपने 2000 साल से ऊपर बिठाया हुआ है, दुनिया बेचारी तड़प रही है, किस वक्त उन्होंने आना ये हमें बताएं आगे, और कैसे ऊपर चढ़ाया ये बताएं। शाबाश, आ जाएं। जी जी, अच्छा, जज़ाकअल्लाह मुबारक भाई। अब नाज़रीन सारे सुन रहे हैं, मोहम्मद ज़ाहिद साहब, हम जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम वैसे ही आपको ये चैलेंज देने वाले थे, इसलिए बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने ये चैलेंज खुद ही आके बात कर ली। अब हमें आपका चैलेंज मंजूर है, सिर्फ दो छोटी छोटी बातें हैं, या तो हमारी तरफ से तीन अल्हम्दुलिल्लाह मनाजर होंगे, तीन आपके मनाजर, उनमें से एक देवबंदी हो, एक बरेलवी हो, और एक जो है वो वहाबी हो, जिसको आप पहले तीस कहते हैं, ठीक है, या आप ये स्टेटमेंट दे दें कि आप बाकी फिरकों को अपने अलावा गुमराह समझते हैं, जिस तरह हमने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है जी, सीधी सीधी बात हो जाएगी। तो ये तो होगी जनाब आपके मनाजरे वाली बात। अब मोहम्मद ज़ाहिद साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ दोबारा, लेकिन अब आपका सिर्फ मैं सवाल लूंगा, ठीक है, अगर आप शोर करेंगे तो मैं माजरत कहा हूँ, मुझे आपको इस स्ट्रीम से रिमूव करना पड़ेगा, वैसे भी हमारे 2.25 घंटे के करीब होने वाले हैं। जी मोहम्मद ज़ाहिद साहब, आपका सवाल क्या है? जनाब जी, डॉक्टर साहब सवाल मैं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। मोहम्मद ज़ाहिद साहब, मैंने आपको, अगर आपने मनाजरे के बारे में बात करनी थी, मैंने आपको बता दिया है, अवाम देख लेगी कि आप हमारा वो जो आपने चैलेंज दिया था वो हमने कबूल कर लिया है। आप अगली दफा हमें आके बता दीजिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है, उसमें जल्दी क्या है जनाब, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर हैं, अब अपना सवाल पेश कीजिए। जज़ाकअल्लाह। जी मोहम्मद ज़ाहिद साहब। जी मोहम्मद ज़ाहिद साहब, डॉक्टर साहब देखें, ये बार बार, ये बार बार डॉक्टर साहब ये हरकत ना करें, अच्छी बात नहीं है, मेरी बात सुन लें, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, फिर आप कहते हैं आप लोग आते ही नहीं है, तो जब हम आते हैं तो फिर आप हमें बोलने नहीं देते। मैं मुनाजरे की बात जनाब आपसे करने लगा हूँ, आपका जो आखिरी एतराज है वो आपका खत्म करने लगा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लाहौरी ग्रुप और जुम्बा ग्रुप को आप वफात ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुमराह समझते हैं। आपने कहा हम उनको गुमराह समझते हैं, हमारा मौजू है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की हयात या वफात। आप मुझे बता दें आप उनको भी इनके ऊपर इस मौजू के ऊपर भी आप उनको गुमराह समझते हैं? अगर आप इस मौजू के ऊपर उनको गुमराह नहीं समझते और आपका उनके साथ इसके ऊपर इजमा है, तो फिर उन दो पार्टीज को अपने साथ बिठाने से आप क्यों इनकारी हैं? ये मेरा आपसे सवाल था, ये मुझे बता दें। मुबारक साहब, आपने तारिक चौहान साहब की बात की थी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुझे काल से ना उतारिएगा, क्योंकि आप हमें, अगर आप दावत देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आने की, तो फिर हमें जवाब भी देने दिया करें। मुबारक अहमद साहब, आमिर भाई सिर्फ इसलिए आए थे कि आप जो पेशगोई मुस्लिम मऊद के ऊपर बात कर रहे थे, दावा जुम्बा साहब का भी है, दावा बशीरुद्दीन महमूद साहब का भी है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि मिर्जा साहब की तहरीरों के मुताबिक ना तो जुम्बा साहब मुस्लिम मऊद साबित होते हैं, ना बशीरुद्दीन महमूद साहब साबित होते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आपने मुनाजरा करना है तो हमारे साथ मुनाजरा कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं आपको दावत दूंगा कि जुम्बा ग्रुप वालों को अपने साथ बिठा लीजिएगा, हम साबित करेंगे कि दोनों ही साबित नहीं होते, दोनों ने घड़ा हुआ है अपनी अपनी तरफ से मुस्लिम मऊद। अब डॉक्टर साहब मुझे फिर बता दीजिएगा कि ये दोनों ही गुमराह है आपकी नजर में? जी जी मोहम्मद ज़ाहिद साहब, हमारी नजर में दोनों गुमराह है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि आप मनाजरा से मनाजरा खेलते नहीं है, मनाजरा करते हैं मेरे भाई। ये जो मनाजरे का आपने चैलेंज दिया, हमने उसका जवाब आपको दे दिया है, नाजरीन ने सुन लिया है। आप इंतजार करेंगे कि जिस तरह हमने बरमला खुल के कहा है कि जनाब हम दूसरों को गुमराह समझते हैं, अब आप भी अहले आपने आप खुद तो अहले दीस हैं, आप देवबंदियों और बरेलवियों के बारे में हमारे प्रोग्राम में आके या तो ऐलान करें कि आप उनको गुमराह समझते हैं, इसलिए आप उनके साथ जो मिलके नहीं मुनाजरा करेंगे, आप एक ही फिरका के लोग होंगे, या तीन बंदे होंगे आपकी तरफ से, एक अहले हदीस, एक बरेलवी, एक देवबंदी। ये बात अब मैंने आखिरी दफा कर दी है, अब अपना सवाल पेश करें मुझे, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी मोहम्मद ज़ाहिद साहब, सवाल क्या? डॉक्टर साहब देखें मुझे आप रिमूव, मुझे पता है आप रिमूव भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को धोखा मत देना। आप कह रहे हैं हम उनको गुमराह समझते हैं, लेकिन जो मौजू है मुनाजरे का, जिसके ऊपर हम डिबेट करने जा रहे हैं, क्या आप
नाज़रीन, आपने देखा ये ऐसी कौम है, ये खुद को मुसलमान कहती है, खुद को ये पता नहीं कहती है हम के इखलाके मोहम्मदी जो है ना कूट कूट के हमें भरा हुआ है। मैं इनको खुल के मैं इनको बात कर रहा हूँ कि ये बात हो गई है, अगली दफा के कर लीजिएगा, सवाल पेश करें, लेकिन आप इनको देख लें, हम आखिरी चांस देते हैं प्यारे भाइयों, उसके बाद मैं इनको स्ट्रीम से रिमूव कर दूंगा। मोहम्मद जाहिद साहब आखिरी चांस है, मनाजरे की बात जो अवाम तक पहुँचनी थी पहुँच गई है, आप हमें अगली स्ट्रीम में बतलाएंगे कि आपकी तरफ से इसका क्या जवाब है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मनाजरे की बात के अलावा अगर आपने सवाल करना है तो ठीक है, वरना जनाब नाजरीन वो जो है मोहतरम जो अपने जाहिद साहब वो स्ट्रीम से खुद ही जो है वो जा चुके हैं। अब चूंकि बैदुल्ला लतीफ साहब काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, मैं उनकी तरफ चलूंगा, किसी दोस्त ने कोई बात कहनी है तो एक तो मोहम्मद जाहिद साहब ने जो ये बात की है ना कि आप ईसा इब्ने मरियम के नजूर के बारे में क्या उनको गुमराह मानते हैं, जी मैं ये भी खुल्लम खुला बयान दे देता हूँ, ले जनाब मौजा से रिकॉर्ड करें, तहरीरी तौर पर लिख लें, आप इस वीडियो को जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नजूल के बारे में भी हम जुम्बा ग्रुप के लोगों को गुमराह मानते हैं, ले जनाब लिख लें मेरा बयान, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब हमारा पिछला जो प्रोग्राम था उसमें भी ये साबित किया हमने कि वो नजूल मसीह के अकीदे को फेर के घुमा के वो कहते हैं कि इसके मिजाक वो अब्दुल गफार जम्बा साहब है, तो गुमराह मानते हैं हम उनको, गुमराह मानते हैं, साफ सरीन ऐलान ये इस पे भी आ गया आप, हम वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये अल्लाह ताला का फजल है कि जमात अहमदिया एक ऐसी इनके सामने नंगी तलवार है कि ये उसके सामने बढ़कर तो मार सकते हैं, उनके सामने बुलंदों का दावा तो कर सकते हैं, कभी मैदान में नहीं आ सकते। हमने ये दावा किया है, हमने ये चैलेंज किया है कि हम तीन बंदे हमारे होंगे, तीन बंदों के अलावा हम दूसरों को नहीं लेंगे, क्यों? उसकी वजह बताए, क्योंकि वो गुमराह है। अगर वो कोई तहरीर ऐसी पेश कर देंगे कि अपने मुजद्दिद की तहरीर पेश करें, हम कहेंगे नहीं जी हम तो उसको मानते नहीं है, वहां पर खिचड़ी बन जाएगी यार, इनका तो आपस में इतफाक नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब इसने ये धोखा देने की कोशिश की है, मैं माजिद के साथ एक मिनट लूंगा कि हमारा इजमा है, इनका इजमा नहीं है, मैं पिछले प्रोग्राम में इनकी वीडियो सुना चुका हूँ, बरेलवी हजरत ये कहते हैं कि खत्म नबूत को मुनकर देवबंदी है, डॉक्टर साहब मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में बरेलवी आलिम ने ये कहा कि खत्म नबूत को मुनकर देवबंदी है, उसके नीचे हकीम राशिद जो स्टीम में आया हुआ था देवबंदी है, यहाँ पे मौजूद भी है, आपने उसको मुखातिब भी किया कि मैदान में आओ, लेकिन वो नहीं आया, उसके नीचे उसने ये बात बयान की कि बरेलवी मुफ्ती साफ और सरी झूठ बोल रहा है, और ये वैसे ही, और उसने बरेली मुफ्ती को गंदी गालियां निकाली, डॉक्टर साहब मेरे पास वीडियो मौजूद है, इनका आपस में इत्तफाक ही नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, उनको पता है कि हम तीनों इकट्ठे जाएंगे तो बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे, कादियानी में छांव नहीं करने देंगे। जी डॉक्टर साहब मेरी बात खत्म हुई, बैदुल लतीफ का कॉल पे, जी जज़ाकअल्लाह। जी बैदुल लतीफ साहब, बैदुल लतीफ साहब आप मेरे से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं? मुझे लगता है बैदुल्ला लतीफ साहब जो हैं उनकी फोन में गड़बड़ है। मुजम्मल हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।